कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला न्यायालय में अधिवक्ता संघ द्वारा न्यायालय में प्रवेश करने वाले फरियादी और अधिवक्ताओं को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क लगाए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी बिना मास्क लगाए घूमता पाया गया तो उनके ऊपर जुर्माना और कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत आज जिला न्यायालय में निरीक्षण किया गया पदाधिकारियों द्वारा, जिन्होंने हर आने जाने वाले अधिवक्ताओं को चेक किया और साथ ही जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे उन्हें समझाइश दी गई और दोबारा ऐसा न करने के निर्देश दिए गए। बड़ी मुश्किल से न्यायालय प्रारंभ हुई है और हम चाहते हैं कि न्यायालय लगातार चलती रहे। उसके लिए हम लगातार अधिवक्ताओं को और पक्षकारों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो मास्क और सैनिटाइजर से खुद को सुरक्षित रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लगातार जो न्यायालय चल रही है उसके कारण से सहयोग कर रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ पे जैसी स्थितियाँ पैदा हुई सबको मालूम है, एक साल से कोरोना लगातार बढ़ रहा था और उसका धीरे 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 कोरोना का प्रकोप कम हुआ। उसको देखते हुए हमने भी कहीं ना कहीं अपने मन से ढिलाई प्रारंभ कर दी थी और ढिलाई का परिणाम आप देख रहे हो कि विगत कुछ दिनों से कोरोना पुनः दूना होता जा रहा है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और साथ में जबलपुर, बड़वानी, ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर कोरोना दूना रात चौगुना उन्नति की शिखर पर अग्रसर है। हम नहीं चाहते हैं कि पुनः ऐसी स्थिति पैदा हो। कल माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा भी हम लोग को संकेत भेजे गए और बकायदा उन्होंने बताया गया कि आप लोग सौ मोटी एक्शन ले ही ले। उसी का परिणाम स्वरूप आज हमने रोको टोको अभियान पुनः चालू किया है। रोको टोको पुनः अभियान चालू किया है कि बिना मास्क के जो अधिवक्ता पाया जाएगा उसका 500 रुपये जुर्माना करेंगे, पक्षकार पाया जाएगा उसका 500 रुपये जुर्माना करेंगे। क्योंकि देखिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा तो केवल प्रेजेंट नहीं है, मगर हमको लगता है कि कोरोना से बचाव का वर्तमान समय जो है केवल मास्क ही है। तो क्यों ना मास्क के लिए पहल करें और समाज से और देश से आशा करें कि अपना मास्क लगा के जब तक कोरोना संकट पूर्ण नहीं होता है तब तक हम मास्क का उपयोग करें।